स्टूडेंट्स आज मैं आपको फारसी शब्द और वाक्य पढ़ाने जा रही हूं। तो बच्चों आप अपनी पुस्तक में देखिए, यहां पर ऐसे चित्र बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको ये चित्र दिखाई दिए ना, अब इन चित्रों के बारे में मैं आपको बता रही हूं। इसमें सूर्य, चंद्र, माता, पुस्तक, फूल और पिता। सूर्य, चंद्र, माता, पुस्तक, फूल और पिता। इसको मैं बता रही हूं कि कैसे आपको लिखना है। तो बच्चों अब मैं कैसे इसको मिलाऊंगी जोड़ी, सा उ रा आ या आ, क्या बन जाएगा इसका? सूर्य। क्या बनेगा इसका? सूर्य। अबे च आ न आ द र अ, चंद्र। क्या लिखेंगे हम इसको? चंद्र। मा आ त आ, क्या बनेगा इसका? माता। क्या बनेगा इसका? माता। पुस्तक।
आगे बढ़ो तू मात्रा तू ल आ फूल क ई छोटी की मात्रा त आ पिता तो सूर्य चंद्र माता पुस्तक फूल और पिता तो ऊपर दिए गए सभी शब्द सूर्य चंद्र माता पुस्तक फूल पिता एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं क्या है ये एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं इन शब्दों का उच्चारण करने से इनका कुछ अर्थ स्पष्ट होता है इन शब्दों का उच्चारण करने से इनका कुछ अर्थ स्पष्ट होता है एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं शब्द कहते हैं तो ये तो बच्चों आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है क्या है बच्चों एक एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं बच्चों हम शब्द कहते हैं शब्द के भेद शब्द को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है कितने आधारों पर निम्नलिखित आधारों पर बच्चों मैं इसको बोर्ड पर लिख करके आपको बता रही हूँ के आधार पर कितने आधार पर अर्थ के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर तो अर्थ के आधार पर इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं
सात अक्षर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो, जिससे अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द जिन शब्द से किसी अर्थ का बोध हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे जल, फल, घर आदि। बच्चों सार्थक शब्द किसको कहते हैं? जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, जैसे जल, फल, घर। जल यानी पानी, फल जो हम खाते हैं, घर इसमें हम रहते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ है, कोई ना कोई मीनिंग है। अब है निरर्थक, निरर्थक शब्द जिन शब्द से किसी अर्थ का बोध ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिससे किसी का कोई अर्थ नहीं निकले या अर्थ का बोध ना हो उनको क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चेचे पेड़ है, वाना हम बोलते हैं ना खाना वाना खा लो, खाना तो ठीक है, वाना नहीं, वाना शब्द का कोई भी नहीं निकलता है। अब जैसे पानी वानी, चलो पानी वानी पीते हैं, तो पानी का अर्थ तो समझता है ना, वानी, वानी कोई अर्थ नहीं होता है, तो वानी शब्द क्या होगा? निरर्थक शब्द होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं शब्द के भेद? चार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के त्यों लिए गए, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा में थे उसको हमने डायरेक्ट किसमें ले लिया? हिंदी भाषा में ले लिया, तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अब है तत्सम शब्द
तस्यक किसको क्या कहते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से जोड़ के दियो दिए गए हैं वे तस्य शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि छेद हस्त अश्रु आदि, अग्नि छेद हस्त अश्रु आदि ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब दूसरा है तद्भव शब्द, दूसरा कौन सा है तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए तो गए हैं लेकिन किंतु कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में उनको स्वीकार किया गया है, उसमें कुछ परिवर्तन करके स्वीकार किया गया है। जैसे दूध दही ओट काम आदि, जैसे दूध दही बच्चों कहने का अर्थ क्या है, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए तो गए हैं मगर कुछ परिवर्तन के बाद उसमें हिंदी में कुछ परिवर्तन के बाद उनको क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध दही ओट काम आदि। अब है देशज शब्द, अब यह है देशज शब्द। देशज शब्द किसको कहते हैं, जो शब्द स्थानीय बोलियों में प्रयोग होते हैं, जो शब्द स्थानीय बोलियों में प्रयोग होते हैं और हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, और हिंदी भाषा में क्या कर लिए गए हैं उनको स्वीकार कर लिए गए हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे रस्सी लोटा साफा, कौन कौन से शब्द हैं ये, जैसे रस्सी लोटा साफा डिबिया झाड़ू आदि, ये स्थानीय बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्द स्थानीय बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। अब है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द किसको कहते हैं, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे पेंसिल डॉक्टर बाल्टी स्कूल आदि, विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे पेंसिल डॉक्टर बाल्टी स्कूल आदि। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द।